हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। आज के इस वीडियो में खास क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, यहां पर एक्सेस में एक स्टेटमेंट हमें समझना है जो कि है डिलीट स्टेटमेंट, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इसको। तो टेबल वन नाम है हमारे इस टेबल का, जिसमें कुछ रिकॉर्ड फिल है, जिसमें आईडी है, नेम है, क्लास है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करके क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर। यहाँ पर आपको एसक्यूएल नजर ही आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम अभी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डिलीट स्टेटमेंट। तो ये लिख दिया डिलीट स्टेटमेंट। और कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, तो उस टेबल का नाम, तो फ्रॉम टेबल वन करना है आपको, टेबल वन। इस तरीके से टेबल वन कर दिया। और फिर क्या करना है, जैसे ही टेबल वन करेंगे तो यहाँ कंडीशन देनी है, वेयर, वेयर की कंडीशन दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे वेयर की कंडीशन में देंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया नेम, तो नेम इज इक्वल टू राम। राम वाला नाम जो है हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पे वेयर लिखा एन ए एम ई नेम इज इक्वल टू डबल इंवर्टेड कोट्स में लिखेगा आर ए एम राम। आप सिंगल इंवर्टेड कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो नेम मौजूद है वही डिलीट होगा, तो वही नाम आप दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इस टेबल को क्लोज करेंगे और यहाँ से क्वेरी को रन करवाएंगे। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो ये कह रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट वन रोज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, तो यस कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। आप फिर इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए, देखिए इसमें से राम आपको गायब मिलेगा। ठीक है।